अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर. ये जो सवाल है काइनेमेटिक्स का है. कहा गया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट. इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हीटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर्स. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट इज. ये इंटीजर टाइप सवाल है. तो इसमें ये कहा गया कि 100 मीटर ऊपर से कोई बॉल को ड्रॉप किया गया, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा जीरो, एक्सेलरेशन होगा जी. ये जो जी है वो अर्थ पर जो जी होता है वो नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है क्योंकि प्लैनेट दूसरा है. अब इसमें कहा गया कि लास्ट के आधे सेकेंड में, सपोज ये जो है ये आधे सेकेंड का टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पर ये 19 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. इसका मतलब इस आधे सेकेंड से पहले इसने 81 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. ठीक, ऐसा मान लेते हैं कि ये 81 मीटर ट्रेवल करने में इसने टी टाइम लिया है. ठीक, तो मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करता हूँ. डिस्प्लेसमेंट है टी सेकेंड में 81, तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर. यू जीरो है तो हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर. ये हो गया पहला इक्वेशन. फिर इसी फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यहां से यहां तक अप्लाई करता हूं. टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 100 मीटर है ना. टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर. यू जीरो है फिर से यहां से क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां तक, तो हाफ जी. इस बार टाइम जो है वो आधा सेकेंड बढ़ गया. यहां से यहां तक का टाइम टी था, आधा सेकेंड और लगेगा यहां आने में, तो टोटल टाइम हो गया टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर. ठीक, इन दोनों को मैं डिवाइड करके देखता हूं. अगर इनको डिवाइड करेंगे तो g/2 g/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो इधर आएगा 81/100 का रूट इज इक्वल टू, इधर आएगा t/t+1/2. 81 का रूट होता है 9 और 100 का 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ये आएगा 9t+9/2 = 10t. 90 को उधर ले जाएंगे तो t का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9/2 seconds. ये आ गया t का वैल्यू. अब पूछा गया है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g का वैल्यू पूछा गया है. तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं. सपोज ये इक्वेशन में रखता हूं ऊपर वाले में, तो 81 = g/2 और t का वैल्यू आया है 9/2 whole square. ठीक, तो 81 = g/2 × 9² हो जाएगा 81 और 2² हो जाएगा 4. तो ये 81 और ये 81 कैंसिल हो गया, तो g का वैल्यू आ गया 8 m/s², है ना. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा 8. इंटीजर टाइप सवाल है तो इसका इंटीजर में वैल्यू आएगा 8.